सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक्स वा। दोस्तों, अगर आप फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं और आप किसी इंसान को मैसेज भेज रहे हैं और वहां पर आपको एरर आता है दिस पर्सन इज अवेलेबल राइट नाउ या फिर दिस पर्सन अनअवेलेबल इन मैसेंजर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो गाइज, इस तरह के एरर आने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, तो सभी रीज़न के बारे में आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी ठीक से समझ में आएगी। तो चलिए, यहाँ पर दोनों फ़ोन में मैसेंजर में मैं यहाँ पर हूँ, तो पहले वाला रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जब सामने वाला आपको ब्लॉक करता है तब। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रीज़न नंबर वन की बात कर रहा हूँ। तो सामने वाले को अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सामने वाले को मैसेज भेज रहा हूँ, ये सामने वाले को मैसेज आ भी रहा है, जा भी रहा है, आप देख सकते हैं। और ये वाला सामने वाला अभी मुझको रिप्ले भी कर पाएगा, यहाँ पर रिप्ले कर पा रहा है, तो आपने देख लिया दोस्तों। और अभी यार सामने वाले में से यहाँ पर मैं अपने आप को ब्लॉक करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गए हम अंदर और यहाँ पर ब्लॉक वाला ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ब्लॉक ऑन फेसबुक पर क्लिक करके यहाँ पर मैं खुद को ब्लॉक करने वाला हूँ। तो ओके, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए, ब्लॉक पर मैंने क्लिक कर दिया, सामने वाला अभी मैसेज भेज पाएगा या नहीं वो देखते हैं। तो देखिए, दीपक हसन, यहाँ पर मैं अपने आप को ब्लॉक कर चुका हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझको अभी सेंड करने का बटन नहीं आ रहा है। मैंने लाइव करके बताया दिस पर्सन इज़ अनअवेलेबल ऑन मैसेंजर। देखिए, आपको दिख रहा है दिस पर्सन इज़ अनअवेलेबल ऑन मैसेंजर। तो जब भी सामने वाला कोई भी बंदा आपको ब्लॉक करता है तब आपको इस तरह का एरर आएगा दोस्तों। और सामने वाला भी अभी मुझको मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके फ़ोन में बैक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर वो भी मुझको मैसेज नहीं कर पाएगा, उसको इस तरह से दिखेगा अनब्लॉक दीपक, वो भी मुझको यहाँ पर मैसेज कर नहीं पाएगा दोस्तों। तो अगर उसको मुझको मैसेज भेजना है, अगर उसने गलती से ब्लॉक कर दिया, तो उसको करना क्या होगा, अनब्लॉक दीपक यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करना है और अनब्लॉक ऑन मैसेंजर ये वाला बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, वापस यहाँ से अनब्लॉक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन वापस हमारे से चला जाएगा। देखिए, अभी उसने अनब्लॉक कर दिया तो वापस हम एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो रीज़न आपको बताए हैं कि या तो आप उसको ब्लॉक करते तब इस तरह का एरर आएगा और सामने वाला बंदा भी आपको मैसेज नहीं भेज पाएगा। तो इस दो तरह के रीज़न आते, तो आपने ब्लॉक किया हो उसको या फिर उसने आपको ब्लॉक किया हो, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल है। चलिए मैं आपको तीसरा रीज़न बताता हूँ। तीसरा रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसने टेम्पररी अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया हो या फिर डिसेबल किया हो, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह का एरर आ सकता है। चलिए, रीज़न नंबर फोर की बात करते हैं। अगर सामने वाले को मैसेज नहीं भेज पा रहे, हो सकता है उसने फेसबुक के नियमों का उल्लंघन किया हो, तो फेसबुक की टीम उसको ब्लॉक कर दी हो, परमानेंटली फेसबुक की टीम ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो, तो इस सिचुएशन में भी आप सामने वाले को मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है उसका, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे अकाउंट के साथ, क्या तूने डीएक्टिवेट किया, डिसेबल किया या फिर फेसबुक ने तेरा अकाउंट बंद कर दिया, आप उसको पूछ सकते हैं, तो कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको सेटिंग चेक करने के लिए बोलिए, तो ज़रूर वो चेक कर लेगा। तो चले गए, यहाँ पर मैं और एक रीज़न आपको बता देता हूँ। तो एक बार आप अपने इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर चेक कर लेना, अगर इंटरनेट कनेक्शन बैड है, आपको स्पीड नहीं मिल रही है, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों आ सकता है। चलिए दोस्तों, और एक रीज़न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर सामने वाला फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल में जाके, मैसेजेस में जाके अगर आपको ओनली मैसेज के लिए ब्लॉक करता है, देखिए मैसेज का भी ऑप्शन होता है फेसबुक में, मैसेज के लिए भी अगर वो आपको ब्लॉक कर देता है, अगर आप ज़्यादा मैसेज करके उसको आप परेशान कर रहे हैं, तभी आप उसको मैसेज दोस्तों भेज नहीं पाएंगे, उसको आपको अनब्लॉक करना होगा अगर आप उसके साथ बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक रीज़न थे, इन्हीं की वजह से आपको इस तरह के एरर आते हैं, जिसमें भाई सबसे बड़ा रीज़न जो होता है ब्लॉक करने का होता है, या फिर सामने वाले का अकाउंट फेसबुक ने बंद कर दिया, या फिर सामने वाले ने अपने आप उसने थोड़े दिन के लिए अपने अकाउंट को परमानेंटली या फिर टेम्पररी उसने डिसेबल या डीएक्टिवेट कर दिया हो, तब इस तरह का प्रॉब्लम ज़रूर दोस्तों आ सकता है। इस तरह के केसेस, इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं यार।
सो आई होप दोस्तों आप मेरे पास समझ गए होंगे, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया भाई, ब्लॉक वाला सॉल्यूशन तो बता दिया, और सामने वाले ने डीएक्टिवेट किया है तो वो अपने अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट कर सकता है, और फेसबुक ने अगर उसका अकाउंट ब्लॉक किया है तो वो अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकता है, या फिर हमेशा के लिए फेसबुक ने उड़ा दिया उसका अकाउंट, तो उसमें तो भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको पता चल गए। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो यार इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लेवल पर मिलती रहे। सो गाइस चलिए मिलेंगे आने वाले वीडियो में, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।